चलिए देख लेते हैं खजूर की खीर के लिए क्या क्या लगेगा। तो ये है खजूर, ये है काजू, ये है छिले हुए बादाम, ये है बादाम ऊपर से डालने के लिए गार्निशिंग के लिए, ये है किशमिश, ये है नारियल का चूरा, ये है 1 किलो दूध है मलाई वाला, और ये है लगभग 20 ग्राम चावल। तो सबसे पहले हम इस दूध को उबालेंगे और पहली उबाल आने के बाद हम ये चावल डाल देंगे। देखिए मैंने ये दूध चढ़ा दिया है 1 उबाल आने तक, उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। ये उबाल आ गया है दूध में, अब हम इसमें ये चावल को डाल देंगे। अब इसको धीमी आंच पे लगातार हिलाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो इसको लगातार चलाएंगे और ये दूध जब आधा हो जाएगा, जब गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद हम सारे ड्राई फ्रूट्स धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। तो इसको लगातार हिलाना है। हम इस स्टेज पे ड्राई फ्रूट्स को धीरे धीरे डाल देंगे। तो सबसे पहले ये नारियल का बुरादा, उसके बाद ये आधा काजू मैं इसमें डाल दूंगी, और ये जो बिना छिलके वाले बादाम हैं वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, और ये जो बचे हुए किशमिश हैं ये डाल दूंगी इसमें। इस इधर भी जब तक ये सब गाढ़ा होगा तब तक मुझे 2 काम करना है। एक तो इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में करना है, और ये जो खजूर है जिसकी मिठास जाएगी उसको मैं डीसीडेड कर दूंगी, इसकी बीज निकाल के रख लूंगी। देखिए हमारा दूध और चावल ड्राई फ्रूट सब धीरे धीरे गाढ़े होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए चावल भी लगभग पकी गया है, बस अब इसका गाढ़ा होने का इंतज़ार है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। ये हमारा ये जो खीर है वो गाढ़ी हो गई है, अब हम इस स्टेज पे खजूर को डाल देंगे। तो ये देखिए ये खजूर मैंने बीए निकाल लिए हैं और इसमें डाल दिए हैं और गैस को बंद कर दिया है, और इस स्टेज पे भी हम आधा डालेंगे, ये आधा काजू डालेंगे, और ये जब ठंडा हो जाएगा तो ऊपर से गार्निशिंग के लिए छोड़ दिया है। तो ये देखिए अब हम सबको मिक्स कर देते हैं। खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये देखिए मैंने पूरा मिला दिया है, अब हम इसको छोड़ देंगे 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने। खजूर की खीर ठंडी हो गई है, अब जो मैंने थोड़े से बादाम रखे हुए थे गार्निशिंग के लिए वो डाल दे रही हूँ। ले लीजिए रमजान स्पेशल मेरी तरफ से खजूर की खीर, खाइए खिलाइए एंजॉय कीजिए। पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।